हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष। वेलकम टू सीखो सीए स्टूडेंट। आज हम टॉपिक जो डिवाइस करेंगे उसका नाम है स्लम सेल। स्लम सेल जो हमारा है वो सेक्शन नंबर 50C में आता है और ये कैपिटल गेन का पार्ट है। कैपिटल गेन देखिए दो तरह की होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। हमारी कोई भी यूनिट अगर 3 साल से ज़्यादा होल्ड करी हुई है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, और 3 साल से कम करी हुई है तो शॉर्ट टर्म आ जाएगा। अच्छा, इसका क्वेश्चन होता कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। एक जर्नल चीज़ बताता हूँ इसमें, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन माइनस में कर देंगे ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, फिर आ जाता है हमारा नेट कंसिड्रेशन। ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा आपका ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, ठीक है। नहीं गिवन हो तो कुछ नहीं करना है। माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसको हम नेट वर्थ भी बोलते हैं, ये नेटवर्थ ही होती है हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक तरीके से। फिर हमारा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन आ जाता है। अब बात है कि इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व क्या क्या करना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन में होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसके साथ हमारा फेयर वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन भी इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन क्या है। फॉर लेट से एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में गिवन है कि 15 लाख रुपये की मेरे को फेयर वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन मिली है, ठीक है। तो मैं 15 लाख ले लूँ? आंसर इज़ नो। हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स है क्या। और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स को निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, जो भी एसेट्स हैं उसकी हम ले लेंगे बुक वैल्यू। लैंड है उसकी हम ले लेंगे SDV। ये यहाँ पर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम सारी लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे, लेकिन लाइबिलिटीज़ में हम रिवैल्यूएशन को नहीं लेंगे, या फिर हमारी जो ओन कैपिटल्स है, रिज़र्व है, इसको नहीं लेंगे। बस हम यहाँ पर लाइबिलिटीज़ लेंगे, जैसे बैंक लोन हो गया, हमारा ट्रेड क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी लाइबिलिटीज़ लेंगे हम। क्या लेंगे? नहीं लेंगे यहाँ पर इक्विटी, नहीं लेंगे रिज़र्व्स, नहीं लेंगे, ठीक है, डिबेंचर्स ले लेंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे, ये भी बुक वैल्यू पे होगी। इसके बाद हमारा आ जाएगा जो जो भी हमारा मतलब फेयर वैल्यू है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर फेयर वैल्यू 13 लाख रुपए आ गया, तो हमें जितने पैसे मिले हैं 15 लाख रुपए, हम 15 लाख लेंगे, विच एवर इज़ हायर। इसका रीज़न ये है कि भैया हमें तो 15 मिले हैं लेकिन फेयर वैल्यू 13 आ रही है, उससे क्या मतलब है, 15 लेंगे ना। हमारा कैपिटल गेन के लिए हम फुल वैल्यू कंसिड्रेशन तो 15 देखेंगे, लेकिन लेट से यहाँ पर 20 वैल्यू आ जाती है तो क्या होगा? तो भैया तुमने कम पैसे क्यों लिए 15 लाख रुपए, असलियत में तुम्हारी फेयर वैल्यू तो 20 लाख रुपए है, तो आप 20 लाख रुपए ही फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में लेंगे। इसका पीछे का लॉजिक ये होता है और बहुत इजी भी है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, वो कैसे निकालना है, मतलब अपनी नेटवर्थ कैसे निकालनी है। मैं नेटवर्थ कह सकता हूँ इसे। तो नेटवर्थ निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले देखना है कि एसेट कैसा है। अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है, अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है तो आप उसको WDV पे ले लीजिए। अगर वो नॉर्मल एसेट है तो आप उसको बुक वैल्यू पे ले लीजिए। यहाँ पर याद रखिए, जो लैंड है उसको भी बुक वैल्यू पे लेना है। बुक वैल्यू मतलब ओरिजिनल कॉस्ट जब लैंड खरीदी होगी, क्योंकि लैंड पर डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं है, ठीक है। तो लैंड को बुक वैल्यू पे ले लीजिए। इसके बाद हम लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे, जिसमें इक्विटी शेयर्स और रिज़र्व नहीं आएंगे और रिवैल्यूएशन भी नहीं आएगा, ये भी बुक वैल्यू पे ले लेंगे। जो आ गया वो है हमारी नेटवर्थ, ठीक है। सो सिंपल। अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट रह जाएगा। देखिए, इसमें गुड दो चीज़ें नहीं आती हैं, एक तो गुडविल नहीं आता है और दूसरा हमारा रिवैल्यूएशन नहीं आता है। क्योंकि एक अच्छा गुडविल भी कौन सी नहीं आती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। गुडविल सेल्फ जनरेटेड नहीं आती है। अगर आपने परचेस करी हो तो हाँ, वो डेप्रिशिएबल एसेट बन जाएगा, WDV आ जाएगा और यहाँ पर एसेट में बुक वैल्यू भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपने मान ली खुद से, मतलब सेल्फ जनरेटेड है, खुद से बनाई है गुडविल, तो भैया खुद से बनाई हुई गुडविल हम कंसिडर नहीं करते। ऐसे ही अगर हम बात करें रिवैल्यूएशन रिज़र्व की, तो रिवैल्यूएशन रिज़र्व भी आपने खुद ने बनाया है तो वो भी हम कंसिडर नहीं करते। अच्छा, दो क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ जिसमें आपको शायद डिफ़िकल्टी आए। एक क्वेश्चन है जिसमें लैंड ले रखी है, लैंड को SDV, लैंड की SDV दे रखी है और लैंड का बुक वैल्यू दे रखा है। तो आपको SDV यहां लिखनी है और जो बुक वैल्यू है लैंड की वो यहां लिखनी है। वैसे क्वेश्चन में ये हमेशा गिवन होगा, लेकिन अगर लैंड की मान लीजिए बस बुक वैल्यू ही गिवन है और कुछ नहीं गिवन है, तो यहीं बुक वैल्यू भी आएगी, यहां भी बुक वैल्यू आएगी। मतलब यहां SDV लिखना है बट SDV नहीं दे रखा तो ही बुक वैल्यू लिखना है, ठीक है। ये बहुत इजी था, ये कोई ऐसा कोई केस नहीं था। एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि पेटेंट्स का क्या करें। देखो, पेटेंट्स क्या चीज़ है? पेटेंट्स क्या सेल्फ जनरेट होते हैं? आंसर इज बिग नो।
पेटेंट्स हमने खरीदे हुए हैं या फिर उसकी कोई वैल्यू है तो वो डेप्रिशिएबल एसेट में काउंट होगा। तो डेप्रिशिएशन एसेट में काम होगा तो यहाँ पर WDV भी आ जाएगा मतलब। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है कि हमने तो डेप्रिशिएशन नहीं चार्ज करे तो भैया हम क्या करें, हम तो करेंगे। तो हमें जब भी पेटेंट्स खरीदे उसमें डेप्रिशिएशन माइनस करनी है। आपको पता होगा पेटेंट्स में डेप्रिशिएशन 25% की होती है, और वही याद रखना कि साल में किस टाइम पर खरीदा था, तो आधा लगेगा या पूरा लगेगा, ठीक है, वो 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट। तो डेप्रिशिएशन माइनस करके यहाँ पर WDV पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में तो भैया बुक वैल्यू पे आता है, यहाँ पर तो कोई डेप्रिशिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो यहाँ पर आपको बुक वैल्यू पे लिखना है, बुक वैल्यू मतलब जितना भी आपकी बैलेंस शीट में दिखा रखा है, जितना भी आपने खरीदी होगी तब दिखा रखा होगा। भले ही क्वेश्चन में लिखा हमने डेप्रिशिएशन नहीं लगाया, तो भैया तुमने डेप्रिशिएशन नहीं लगाया तो ठीक है, तुमने बुक वैल्यू पे दिखाया, हम भी बुक वैल्यू पे दिखाएंगे फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन निकालते वक्त। लेकिन जब हम कॉस्ट ऑफ एसेट निकालेंगे तो भैया तब तो हम डेप्रिशिएशन एसेट लेंगे और तब निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको कोई भी डाउट हो नीचे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।